नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है चौथे स्टेज के प्रोस्टेट यानी गदूत के कैंसर के नए इलाज। तो हमारे चैनल पे हुए पॉल में ये मोस्ट इन डिमांड वीडियो था, जिसकी वजह से हम ये वीडियो आज आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में हमारे कंट्री के मोस्ट कॉमन कैंसर में से एक है, और अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर कैंसर है जिसमें यूजुअली सिम्टम्स यानी क्या कहते हैं बीमारी के लक्षण काफी लेट होते हैं। इसका नेट रिजल्ट ये होता है धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रहती है, और बहुत कॉमन सी चीज है कि बीमारी पता ही स्टेज फोर में चलती है जब ये लिम्फ नोड, बोन, लंग, लिवर और अन्य ऑर्गन में फैल चुकी होती है, जिसको हम मेटास्टैटिक या स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो स्टेज फोर एक बहुत ही डरावना शब्द है जिसको सुन के कई बार काफी डर और परेशानी होती है, क्योंकि मरीज मानते हैं कि अन्य स्टेज फोर कैंसर की तरह उनका सर्वाइवल शॉर्ट होएगा, पर प्रोस्टेट कैंसर स्टेज फोर में डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नए मॉडर्न इलाजों से स्टेज फोर में भी इस कैंसर से पेशेंट ऑन एवरेज कई कई साल तक एक एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट भी है जो कई कई डिकेड्स तक अपनी बीमारी को सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कैंसर में न्यू ट्रीटमेंट्स का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। तो ये लॉन्ग सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? ये लॉन्ग सर्वाइवल वेरियस नए ट्रीटमेंट्स के इस्तेमाल का नतीजा है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, उसको हम बोलते हैं हॉर्मोन थेरेपी। तो प्रोस्टेट कैंसर एक हॉर्मोनली ड्रिवन ट्यूमर होता है, यानी कि पुरुषों के हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ये कैंसर फैलता है और बढ़ता है। तो एक जाहिर सी बात है कि यदि इस हार्मोन को हम बॉडी से एलिमिनेट कर दें तो ये कैंसर का बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है, और इसी चीज को हम हार्मोन थेरेपी या एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी बोलते हैं। ज्यादातर स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट में सबसे पहला इलाज है जो इस्तेमाल होता है। एडीटी अकॉम्प्लिश करने के दो तरीके हैं, या तो आदमी के टेस्टिस को ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाए ताकि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ना रहे, या कुछ स्पेशल तरह की इंजेक्शंस होते हैं जो बॉडी में इंजेक्ट करके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन खत्म किया जा सकता है। दोनों मेथड्स का रिजल्ट बराबर है, पर ऑपरेशन एक ज्यादा परमानेंट तरीका है, जबकि इंजेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें बार बार पेशेंट को फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लगाने पड़ते हैं। हालांकि इनके इंजेक्शन बाय इटसेल्फ के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। बेनिफिट इस ट्रीटमेंट का ये है कि यूजली ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा पेशेंट में इस एडीटी से कैंसर का लेवल बिल्कुल वेरी वेरी लो लेवल तक इसको सप्रेस किया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट मेनली टेस्टोस्टेरोन के लॉस वाले साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ मसल मास, हड्डियों की कमजोरी, मूड के चेंजेस इत्यादि। परंतु सही तरीके से यदि यह ट्रीटमेंट दिया जाए और कुछ प्रिकॉशंस फॉलो की जाए तो जनरली इन साइड इफेक्ट से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ता और बीमारी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल की जा सकती है फॉर मेनी मेनी इयर्स। आजकल कुछ न्यूअर सेकेंड लाइन हार्मोनल एजेंट्स भी अवेलेबल है। तो इन सेकेंड लाइन हार्मोनल एजेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब बॉडी से टेस्टोस्टेरोन खत्म कर दिया जाता है तो बॉडी में कुछ और सोर्स होते हैं मेल हार्मोन्स के, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड जो कि एंड्रोजेंस बनाते हैं जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं। तो कुछ नई दवाइयां अवेलेबल है जो इन ऑल्टरनेटिव हार्मोन सोर्सेस को भी बंद कर देती है, या फिर सेल पे उनका असर आने नहीं देती और सेल के अंदर उन हार्मोन्स की एक्टिविटी को नई एक्टिवेट होने देती है, जिसका रिजल्ट है कि और भी बेटर प्रोस्टेट कैंसर का कंट्रोल किया जाता है। इन ड्रग्स की अच्छी बात क्या है कि यूजुअली ये टैबलेट फॉर्म में दी जाती है और इनके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, और अगेन थैंक्स टू दीज ड्रग्स बिना किसी कीमोथेरेपी या किसी और थेरेपी के रिक्वायरमेंट के प्रोस्टेट कैंसर को लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, नंबर टू ट्रीटमेंट जो है वो है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी प्रोस्टेट कैंसर का एक पुराना इलाज है जिसको यूजुअली स्टेज फोर में ही इस्तेमाल किया जाता है। आज के जमाने में क्या हुआ है कि कीमोथेरेपी की नए ड्रग्स और नए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे साइड इफेक्ट कम होते हैं और बेनिफिट अच्छा होता है, पर कीमोथेरेपी जनरली एक सबसेट ऑफ स्टेज फोर कैंसर पेशेंट्स में यूज करते हैं। हर स्टेज फोर कैंसर में कीमोथेरेपी का इतना फायदा नहीं होता। इंपॉर्टेंटली जिन लोगों में बीमारी का बर्डन ज्यादा है, बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा घाटे हैं, उनमें कीमोथेरेपी से क्विकली उस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और इस एक बार डिजीज कंट्रोल हो जाए उस कंडीशन को लंबे समय तक पेशेंट मेंटेन कर सकता है। तो
अगेन कीमोथेरेपी इज फॉर सिलेक्टेड पेशेंट्स विद जिनमें बीमारी का बर्डन हाई है, और यदि उस कीमोथेरेपी को केयरफुली दिया जाए तो टिपिकली कीमोथेरेपी के हार्ट साइड इफेक्ट्स पेशेंट नहीं फेस करता है और डिजीज का अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट नंबर 3 जिसकी हम बात करेंगे उसको बोलते हैं रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी। तो रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी से क्या तात्पर्य हम समझते हैं, तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन हम सब समझते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी मतलब कुछ एटम या कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो एनर्जी वाली किरणें छोड़ते हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सोचते हैं तो उसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जो एनर्जी छोड़ते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ऐसे ही कुछ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को कुछ स्पेशल केमिकल से अटैच कर दिया जाता है जो बॉडी में घुस के सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर सेल को ढूंढते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो जो लिंक्ड मॉलिक्यूल है वो जाके प्रोस्टेट कैंसर सेल से चिपक जाता है और इसके साथ जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो उस कैंसर सेल को खत्म कर देता है, जिसका रिजल्ट है कि डिजीज को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है विद वेरी लो साइड इफेक्ट्स। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर सेल को ही ढूंढ के उससे चिपकते हैं, इसलिए बॉडी के नॉर्मल सेल और नॉर्मल ऑर्गन में इतने साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए ये काफी एफिशिएंट तरीका है इस कैंसर को कंट्रोल करने का विद लो साइड इफेक्ट्स। तो इम्पोर्टेंटली ये ट्रीटमेंट हर पेशेंट में यूजफुल नहीं है, कुछ टेस्ट करके हमें पहले चेक करना पड़ता है किन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट सही पेशेंट में इस ट्रीटमेंट का यूज करें तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों अगली जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है नंबर 4 उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। हमारे इम्यूनोथेरेपी के वीडियो आप यदि आप चाहे तो हमारे चैनल के जरिए एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये एक नई मोडालिटी है जो बॉडी को बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को ट्यूमर सेल से इंटरेक्ट कराती है ताकि वो इम्यून सिस्टम उस ट्यूमर को खत्म कर दे। तो प्रोस्टेट कैंसर में जो इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है जो बॉडी के इम्यून सेल्स को ट्यूमर की तरह सेंसिटाइज करती है और वो उसको अटैक कर सके। अगेन चूंकि नॉर्मल सेल्स पर इसका असर कम रहता है इसलिए ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट लिमिटेड होते हैं, बट बेनिफिट जिन पेशेंट्स को इस दवाई से मिलता है उनको यूजली बहुत ही लंबा और प्रोलॉन्ग बेनिफिट मिलता है। नंबर 5 थेरेपी जो हम बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर ब्लॉकिंग थेरेपी या पार्प इनहिबिशन। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोस्टेट कैंसर इस तरह के होते हैं जिनमें स्पेशल जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जो कैंसर सेल को अपना डीएनए रिपेयर नहीं करने देते। तो जिन पेशेंट्स को ये स्पेशल तरह का प्रोस्टेट कैंसर है उनमें कुछ स्पेशल नई तरह की दवाई है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर की डीएनए रिपेयर मशीनरी को कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। तो नेट रिजल्ट ये है कि एक तरफ तो सेल में अपना डीएनए रिपेयर डिफेक्ट है, बाहर से हमने टैबलेट दे दी उससे एक डीएनए रिपेयर डिफेक्ट और जुड़ गया, और जब ये दोनों डिफेक्ट एक के बाद एक जुड़ जाते हैं तो सेल सर्वाइव और डिवाइड नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि डिफेक्ट कैंसर स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है इसलिए इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को नॉर्मल साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, नॉर्मल सेल्स पे असर काफी कम रहता है, और मेनली ये एक तरह का टारगेटेड थेरेपी है जो सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर को मारती है और बॉडी के नॉर्मल सेल पे उसके साइड इफेक्ट मिनिमम रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज दोनों इम्यूनोथेरेपी और पार्प इनहिबिशन के बारे में ये है कि ये दोनों थेरेपी आज की डेट में सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स के लिए है और बिना टेस्टिंग करे इन ट्रीटमेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए। पहले पेशेंट का ट्यूमर टेस्ट किया जाना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए ये थेरेपी उस ट्यूमर पर काम करेगी या नहीं करेगी, और सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यूज करनी चाहिए जिनमें ट्रीटमेंट काम करने वाली है। तो दोस्तों ये 5 नई थेरेपी जो हमने डिस्कस करी है इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगेन एवरी पेशेंट विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एवरी थेरेपी, और ऐसी कोई भी थेरेपी नहीं है इसका साइड इफेक्ट जीरो है, हर ट्रीटमेंट के अपने कुछ साइड इफेक्ट और कुछ बेनिफिट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ये फिगर आउट करे कि किस पेशेंट के लिए किस थेरेपी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है और सही पेशेंट में सही ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन यूज करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये स्टेज 4 पेशेंट्स भी एक बहुत ही लंबी कई कई साल की लाइफ जी सकते हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहे और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल व्यतीत कर सके चाहे उसे स्टेज 4 डिजीज ही हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी जो आपके काम आए। मुझे आई थिंक आपको और सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब इस वीडियो में से आपको नहीं मिला हो, तो वीडियो कमेंट से या स्क्रीन पर डिस्प्ले हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब आपको दिया जाए। हमारा चैनल का पर्पज यह है कि वर्ल्ड के लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स हमारे पेशेंट्स को भी मिले और उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। तो
यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जल्द ही आपको हम अगले वीडियोस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।